ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। केंद्र सरकार आम बजट प्रस्तुत करने जा रही है। ये बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। इतिहास में पहली बार है कि महिला वित्त मंत्री बजट प्रस्तुत करने जा रही है। दोबारा सत्ता में आने के बाद भाजपा सरकार पहली बार बजट पेश करने जा रही है, इसलिए इस बजट में भारतवासियों को काफी उम्मीदें हैं। केंद्र सरकार कल आम बजट प्रस्तुत करने जा रही है। ये बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। ये इतिहास में पहली बार है कि महिला वित्त मंत्री बजट प्रस्तुत करने जा रही है। दोबारा सत्ता में आने के बाद भाजपा सरकार पहली बार बजट पेश करने जा रही है, इसलिए इस बजट से भारतवासियों को काफी उम्मीदें हैं। सोलन शहर के व्यापारियों को भी बड़ी आस है कि उन्हें इस बजट से कुछ राहत मिलेगी। व्यापारियों ने बजट को लेकर अपने विचार रखे और बताया कि नोटबंदी और जीएसटी के बाद उनका व्यवसाय बिल्कुल चौपट हो चुका है। दूसरी ओर महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इसके लिए सरकार को चाहिए कि वे खाद्य सामग्री, गैस, पेट्रोल और डीजल के रेट कम करें, क्योंकि इन्हीं की वजह से देश में महंगाई लगातार बढ़ती ही जा रही है। उन्होंने कहा कि मझोले व्यापारियों को भी टैक्स में कुछ राहत मिलनी चाहिए। वही उन्होंने मांग की कि संतुलन बनाने के लिए लाखों रुपए की तनख्वाह लेने वाले अधिकारियों और नेताओं पर अधिक टैक्स स्लैब लगाई जानी चाहिए और आम जनता को थोड़ी राहत दी जानी चाहिए। मैं खैर बात करूं अगर जो व्यापारियों के लिए, तो मैं ये चाहता हूँ कि सरकार जीएसटी में थोड़ा सा संशोधन करें, जो कि आपकी पेमेंट हमारी हर महीने होती है जीएसटी की, उसको अगर जो वो छोटे व्यापारियों के लिए जैसे 3 महीने की आपकी क्वार्टरली रिटर्न जाती है, वैसे ही उनकी 3 महीने के लिए उनकी पेमेंट भी उस पर जानी चाहिए, क्योंकि उनका जो अपना पैसे हैं वो कई बार 3-3 महीने के बाद आते हैं छोटे व्यापारियों के। तो मेरी ये गवर्नमेंट से दरख्वास्त रहेगी कि अपना जीएसटी के अंदर थोड़ा सा संशोधन करें, छोटे व्यापारियों को ध्यान में रखते हुए उसके ऊपर अमल करें। पेट्रोल और सिलेंडर के रेट तो बिल्कुल घटने चाहिए, और साथ के साथ जो खाने पीने वाली चीज़ें हैं, जैसे दूध का दाम आपका काफ़ी बढ़ गया है अब पिछले टाइम में, अभी आपका रिसेंटली अभी काफ़ी आपके दाम बढ़े हैं दूध के, तो जो खाने पीने वाली चीज़ें हैं उनके दाम थोड़े कम होने चाहिए, जो कि जनरल पब्लिक के लिए मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा रहेगा। मेरे मुताबिक इस बजट में सरकार को सबसे पहले गरीबों की ओर ध्यान देना चाहिए, जो कि आटा, चावल, दाल, ये चीज़ें सस्ती होनी चाहिए जो उन्होंने खानी है, जो रोज की उनकी ज़रूरत है। दूसरी चीज़ सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, ये इन चीज़ों पे बहुत नियंत्रण की ज़रूरत है, इसी से महंगाई बढ़ी जा रही है और सरकार इस तरफ कुछ नहीं देख रही है। पिछले 5 साल में कुछ भी नहीं हुआ ऐसा कि महंगाई के ऊपर इन्होंने कोई जोर दिया हो। जीएसटी ने बहुत बुरा हाल किया है देश में, आप देखो तो हर चीज़ पे 18% जीएसटी लगाया है। हमारी कपड़े की दुकान है, कभी इस पर जो एक्साइज ड्यूटी होती थी, आज जीएसटी लगा के 5% हमें भी इसमें बहुत मुश्किल में डाल दिया है। जीएसटी की वजह से हर चीज़ कपड़ा महंगा हो गया है और किसी को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, जबकि सरकार कहती है आम आदमी को इसमें बहुत फ़ायदा है। हर चीज़ 5% महंगी हो जा रही है, सरिये पे 18%, जीएसटी रेंट पे 18%, आज की डेट में किराएदार किराया नहीं बढ़ाता है तो 18% जीएसटी कहाँ से देगा, वो मकान मालिक को खुद देना पड़ रहा है। मेरा मानना यही है कि जो हमारा एनुअल बजट अभी सरकार पेश करने वाली है, उसमें सरकार को हर एक वर्ग का ध्यान रखना चाहिए, हर एक कम्युनिटी का ध्यान रखना चाहिए। गरीबों के लिए सरकार बहुत सारी सब्सिडीज ऑलरेडी दे रही है, गरीबों का भला कर रहे हैं, राशन सस्ता मिल रहा है उनको, वो पिछले 20 साल से 50 साल से वैसे ही मिल रहा है। पर मेरा मानना यह है कि जो मिडिल क्लास बिजनेसमैन है या मिडिल क्लास फैमिलीज हैं हमारी इंडिया की, उनके लिए सरकार को कुछ सोचना चाहिए, बिकॉज जो भी ये जीएसटी इम्पोज हुई है या डिमोनेटाइजेशन हुई है, इस पर सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो मिडिल क्लास लोगों का हुआ है इंडिया में। तो मेरा मानना यह है कि सरकार को कुछ इनके लिए ऐसी एक पॉलिसी या योजना बनानी चाहिए जिनसे इन लोगों को फ़ायदा हो, इन लोगों का बिजनेस बढ़े। सेकेंडली मेरा मानना यह है जितने भी टॉप ब्यूरोक्रेट्स और ये हैं पॉलिटिशियंस हैं, इनके ऊपर टैक्स लिमिट जो है, टैक्स स्लैब जो है वो बड़ा होना चाहिए, बिकॉज इनकी जो सैलरीज हैं या इनकी जो लेवल ऑफ इनकम है वो बहुत ज़्यादा है, इस हिसाब से इनको जो है हायर टैक्स स्लैब के अंदर आना चाहिए। और इस इनको हायर टैक्स स्लैब के अंदर आने के बाद जो मिडिल मैन है या पुअर लोग हैं सोलन के या इंडिया के, उनको बहुत बेनिफिट होगा। मैं बजट के ऊपर यही कहना चाहूँगा कि केंद्र सरकार जो है व्यापारियों के हित के लिए जो है इस बार अच्छा बजट लेके आए, और पहले भी जो है जो बजट आए हैं उसमें जीएसटी जो है, पहले काफ़ी सुना था कि जीएसटी में बहुत समस्या होगी, पर केंद्र सरकार ने जो है जीएसटी का मतलब काफ़ी सरलीकरण करा है, जो अब इतना मुश्किल नहीं लगता है। और आगे भी हमारी यही उम्मीद है कि सरकार व्यापारियों को और आम नागरिकों को देखते हुए जो है अच्छे से अच्छा बजट देगी,
और हम यही चाहेंगे कि बजट में अच्छा होने के साथ साथ जो है हिमाचल को भी जो है वो बजट में कुछ अच्छा तोहफा मिले।